दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने जॉब में रहते हुए जॉब कंटिन्यू में अपना 100% पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर 100% का मतलब है आपका एम्प्लॉई शेयर, आपके एम्प्लॉयर का शेयर विद इंटरेस्ट, आप पूरा का पूरा जो भी आपके पीएफ स्टेटमेंट में शो हो रहे आप एज ए पीएफ एडवांस विड्रॉ कर सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताने वाला हूं, वो भी सारे प्रूफ के साथ। और आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे मात्र 12 वर्किंग डेज में 100% पीएफ अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो दोस्तों मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टैक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल, जहां पे आपकी पीएफ, इनकम टैक्स और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ईपीएफओ मेंबर पोर्टल सर्च करते ही आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा यूनिफाइड पोर्टल का। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको अपने यूएन और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करते ही आप ईपीएफओ पोर्टल के होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी केवाईसी प्रॉपरली अपडेट होनी चाहिए। केवाईसी में आपका आधार नंबर, पैन नंबर और बैंक डिटेल्स आ जाता है। अगर इन तीनों में से कुछ भी अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो पहले आपको उसे अपडेट करना होगा। केवाईसी अपडेट करने से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब एडवांस पीएफ क्लेम करने के लिए आपको यहां पर ये ऑनलाइन सर्विसेज में क्लिक करना है और यहां पे आपको क्लेम में चार फॉर्म दिख रहे हैं, फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C एंड 10D। तो जो फॉर्म 31 होता है वो एडवांस पीएफ विड्रॉल का होता है। एडवांस पीएफ का मतलब होता है कि जब आपकी जॉब कंटिन्यू है और जॉब कंटिन्यू होते हुए अगर आप पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस केस में इसे एडवांस पीएफ कहा जाता है और इसके लिए आपको फॉर्म 31 फिल करना होता है। तो अभी के लिए जो हमारा रिलेवेंट फॉर्म है वो है फॉर्म नंबर 31 फॉर एडवांस पीएफ। तो आपको इस क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना है। ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जैसे आपका नाम, आधार नंबर, पैन डिटेल्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर की लास्ट 4 डिजिट्स डालनी है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका ये अकाउंट जो है वो ऑपरेटिव होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर ये आपका अकाउंट नंबर ऑपरेटिव नहीं है या बंद है किसी कारण से तो आपको पहले इसे अपडेट करना है और अपडेट हो जाने के बाद आपको ये प्रोसेस करना है। तो चलिए बैंक अकाउंट की लास्ट 4 डिजिट्स यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद आपको ये ब्लू कलर का वेरीफाई बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन में आपको यस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन टिक आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी करेक्ट 4 डिजिट्स जो है वो एंटर कर ली है। अब यहाँ पर आपको सर्विस डिटेल्स में ध्यान देना है कि आपका जो लेटेस्ट एम्प्लॉयर यानी जहाँ पर आप अभी जॉब कर रहे हैं उनका मेंबर आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसमें आपको DOJ यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो दिखेगा पर डेट ऑफ एग्जिट यहां पर नहीं दिखेगा, क्योंकि उस कंपनी में आप करेंटली अभी जॉब कर रहे हैं। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेटेड है, इसका मतलब आपने उस कंपनी को छोड़ दिया है, उस केस में फिर आपका एडवांस पीएफ विड्रॉल नहीं होगा, उस केस में आपका फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल होगा और उसके लिए आपको फॉर्म 19 फिल करना होगा। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए कि अगर आपने मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के यहाँ जॉब किया है यानी आपने दो या दो से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के यहाँ जॉब किया हुआ है तो आपके जितने भी पिछले एम्प्लॉयर्स हैं उनका पीएफ पहले आपको लेटेस्ट एम्प्लॉयर में ट्रांसफर करना होता है, उसके बाद ही आपको ये पीएफ विड्रॉल का प्रोसेस करना है। तो इस स्टेज पर आपको अपनी पासबुक जरूर चेक कर लेनी चाहिए। तो पासबुक चेक करने के लिए आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन व्यू में जाना है और यहाँ पर एक पासबुक का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ऐसे करते ही एक नई साइट ओपन हो जाएगी, passbook.epfindia.gov.in। तो यहाँ पे भी आपको सेम UN और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट मेंबर आईडी पे जाना है। तो यहाँ पर आपने जितने भी एम्प्लॉयर्स या कंपनीज में जॉब किया है उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब इस लिस्ट में सबसे नीचे जो आईडी होती है वो आपके लेटेस्ट एम्प्लॉयर की आईडी होती है। तो पहले मैं प्रीवियस एम्प्लॉयर की आईडी में चेक कर लेता हूँ। तो ये मैंने प्रीवियस आईडी सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर व्यू पासबुक पर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा बैलेंस है वो 00 शो हो रहा है, क्योंकि ये पूरा हमने ट्रांसफर कर दिया है लेटेस्ट में। अब हम चेक करते हैं करंट वाला पीएफ आईडी। तो करंट वाला जो सबसे नीचे होगा वो करंट वाला होगा, यहाँ पर क्लिक किया देन व्यू पासबुक। अब यहाँ पर आपको ये बैलेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें एक एम्प्लॉय शेयर है 3,21,897 का, एम्प्लॉयर का शेयर है 2,70,522 का और टोटल बैलेंस है 5,92,419 का। तो अगर आपकी टोटल सर्विस 5 साल से ज़्यादा है तो आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पर्पस से मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्शन पर्पस से आप पूरी लाइफ टाइम में केवल एक ही बार विड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वापस ईपीएफओ पोर्टल पर, जहाँ हम ऑलरेडी लॉग इन हैं
और यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर देना है। अगेन यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इंश्योर करना है कि आपका पैन नंबर अपडेटेड है। उसके बाद आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर में जब हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्ट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर केवल PF एडवांस का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हम PF एडवांस के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, जिस केस में एम्प्लॉई का जॉब अभी कंटिन्यू है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके हम आ जाते हैं और यहाँ पे आपको फिर पर्पस सिलेक्ट करना होता है, किस पर्पस के लिए आप एडवांस विड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे पर्पस आ जाएंगे। तो अब ये जो रेड में पर्पस है ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए कम से कम आपका 84 मंथ्स यानी 7 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो हमारे केस में जो टोटल सर्विस है वो 5 साल से ज़्यादा है पर 7 साल से कम है, इसलिए 7 ईयर्स वाले ऑप्शन यहाँ पर ब्लॉक्ड हैं। तो अगर आपका जॉब 5 साल से कम है तो आपके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वाला भी ऑप्शन ब्लॉक रहेगा रेड में। तो 5 साल के कम वाले केसेस में आपके लिए केवल ये कुछ ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस, इलनेस, नेचुरल कैलामिटीज, पावर कट और परचेस ऑफ हैंडीकैप्ड इक्विपमेंट। तो अगर आपकी जॉब 5 साल से कम है तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप केवल एम्प्लॉई शेयर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, और उस केस में आप अगर इलनेस का यूज करके अपना PF विड्रॉ करेंगे तो इजीली विड्रॉ हो जाएगा। इस केस में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम एडवांस PF विड्रॉल यहाँ पर चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ एडवांस यानी आप अग्रिम राशि एडवांस अमाउंट कितना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो वापस आते हैं PF पासबुक पे जो कि ऑलरेडी ओपन है। तो अगर आपकी जॉब 5 साल से कम है तो आपको केवल एम्प्लॉई बैलेंस यानी EE बैलेंस ही आपको डालना है, और अगर आपका इस केस की तरह 5 साल से ज़्यादा जॉब है तो आप यहाँ पर टोटल बैलेंस डाल सकते हैं 592419। इसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉई का एड्रेस यानी PF होल्डर का एड्रेस डालना है, और एज पर आधार डिटेल्स आप डाल दीजिए तो आपको परेशानी नहीं होगी। स्टेट, सिटी और पिन कोड आपको डाल देना है। अगेन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक ऑब्लिक पासबुक, तो आपका जो चेक है या फिर पासबुक है उसकी फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो आप यहाँ पर चेक भी अपलोड कर सकते हैं या फिर पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं, और ये चेक या पासबुक उसी अकाउंट की होनी चाहिए जो आपका EPFO पोर्टल पर अपडेटेड है। तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिए कि ओनली JPG या JPEG फाइल ही आपको अपलोड करनी है, जिसकी मिनिमम साइज 100KB हो और 500KB से ऊपर उसकी साइज नहीं होनी चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड नेम शुड बी विजिबल ऑन द चेक। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं चेक या पासबुक उस पर आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका नाम प्रिंट होना चाहिए। इसके बाद आपकी जो स्कैन कॉपी है वो रीडेबल होना चाहिए यानी ब्लर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर आपका जो चेक है वो रीडेबल नहीं है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल करके अपलोड कर देना है, तो जहाँ पे भी आपने अपनी इमेज रखी हुई है चेक की वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो check.jpg यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो व्यू पर क्लिक करके उसे एक बार व्यू भी कर सकते हैं, तो व्यू पर क्लिक कर लेते हैं तो ये आपका जो चेक है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्लियरली देख लीजिए कि आपका अकाउंट नंबर वही है, IFSC कोड आपका आ रहा है, नाम आपका सेम जो आपका EPFO पोर्टल पर नाम है ऊपर वही एज इट इज़ नेम आ रहा है, और ये सब कुछ रीडेबल है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद चेक करने के बाद इसे क्लोज कर लीजिए। इतना करने के बाद आप यहाँ पर आई एम अप्लाइंग फॉर दिस क्लेम यूजिंग आधार क्रेडेंशियल्स इस पर क्लिक करना है, देन आपको गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। तो ऐसा करने से आपके आधार नंबर पे एक OTP आएगा और उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं OTP हैज बीन वेरीफाइड, EKYC अपडेटेड एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू PDF। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस क्लेम हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो ये आपका जो PF एडवांस के लिए अप्लाई हो चुका है। अब आप चाहें तो ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस आएगा, थर्ड नंबर का ऑप्शन, यहाँ पर जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैकिंग ID, फॉर्म टाइप जो हमने फॉर्म 31 भरा है और हमने ये सबमिट किया है 29 जनवरी, और करंट स्टेटस में आपका आ रहा है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। तो अब इसे PF डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा और उसका स्टेटस अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। तो दोस्तों मैंने कुछ दिनों बाद फिर से लॉगिन किया EPFO पोर्टल पर, और यहाँ पर हम अभी चेक करते हैं अपने फॉर्म 31 का स्टेटस। तो यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ।
तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं आपका जो फॉर्म टाइप फॉर्म 31 जो हमने सबमिट किया था 29 जनवरी को सबमिट किया था और 31 जनवरी ने दो दिन बाद ये सेंड टू फील्ड ऑफिस दिखा रहा है और इसका करंट स्टेटस आ रहा है क्लेम सेटल्ड। यहाँ से आप देख सकते हैं सब कुछ लाइव है, यहाँ पर कुछ भी फोटोशॉप नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में आपको फिर से एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद भी आप देखिए यही इन्फॉर्मेशन आ रही है और यहाँ पर जो करंट स्टेटस है वो क्लेम सेटल्ड आ रहा है, यानी पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से ये क्लेम प्रोसेस होकर सेटल्ड हो चुका है। अब इसकी जो एग्जैक्ट सेटलमेंट डेट है वो हम अपने पासबुक के जरिए चेक कर सकते हैं। तो पासबुक के लिए हम यहाँ पर व्यू ऑप्शन में आपको एक पासबुक का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पर आपको अपने यूएन के जरिए लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं पासबुक वाली वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको अपने जो लेटेस्ट एम्प्लॉयर होता है जो सबसे लास्ट आता है लिस्ट में उसको सिलेक्ट करना है और देन व्यू क्लेम स्टेटस पर क्लिक करते हैं। तो व्यू क्लेम स्टेटस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनको क्लेम रिसीव हुआ था वो 31 जनवरी को हुआ था। तो यहाँ पर हमने अभी चेक किया था कि हमने जो अप्लाई किया था 29 जनवरी को किया था और यहाँ से सेंड टू फील्ड ऑफिस 31 जैन था और 31 जैन को ही यहाँ पर ये रिसीव्ड बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है क्लेम का जो स्टेटस आ रहा है वो सेटल्ड आ रहा है और यहाँ पर आप अमाउंट भी चेक कर सकते हैं कि जो हमने अमाउंट अप्लाई किया था वो था 5,92,419। तो पीएफ डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी अमाउंट आप क्लेम करते हैं उसे 100 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करता है। तो उन्होंने जो 19 रुपये जो ऑड फिगर था उसे राउंड करके 400 कर दिया। तो आप चेक कर सकते हैं बैक जाकर कि हमने कितने के लिए अप्लाई किया था। तो केवल 19 रुपये मुझे कम मिले हैं, वो भी किस रीजन से, राउंड ऑफ की वजह से। डिस्पेच डेट आ रही है यहाँ पर 12th February 2020 और यहाँ पर रिमार्क्स में आप पढ़ सकते हैं योर क्लेम हैज़ बीन सेटल्ड, पेमेंट सेंट वाया NEFT ऑन 12th February 2020। तो 12 फरवरी को इन्होंने अपना जो क्लेम है वो रिलीज कर दिया और इसके नेक्स्ट डे 13 February को इवनिंग में ये अमाउंट जो है बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो जनरली जो आपकी सेटलमेंट डेट होती है उससे 1 से 3 दिन के अंदर आपका जो क्लेम होता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ से हम अगर टोटल डेज हमारे चेक करें तो 29 को हमने अप्लाई किया था और 13 को ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो ऐसा देखा जाए तो आपको 15 डेज दिख रहे हैं क्योंकि सैटरडे संडे जो होते हैं वो नॉन वर्किंग डेज कहलाते हैं। तो अगर आप वर्किंग डेज काउंट करेंगे तो 11 से 12 वर्किंग डेज ही लगे अप्लाई करने से लेकर अकाउंट में क्रेडिट होने तक। अब ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लाइव चल रहा है, यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग या फोटोशॉप नहीं है। मैं आपको इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो लॉग आउट हो जाए। तो एक बार मैं पुरानी वाली पासबुक सेलेक्ट करके व्यू क्लेम स्टेटस पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद वापस से मैं आपकी लेटेस्ट सेलेक्ट करके व्यू क्लेम स्टेटस पे सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए सेम वही इन्फॉर्मेशन आ रही है। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं आपको एक बार फिर से चेक करके बताता हूँ। एक बार मैं होम पे क्लिक कर देता हूँ और होम पे क्लिक करने के बाद वापस मैं आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करके बताता हूँ। तो देखिए ये सब कुछ जो है रिफ्रेश होकर लाइव भी आपके सामने इन्फॉर्मेशन है। मैंने पिछले बार भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको 7 डेज के अंदर अपना फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉ करके दिखाया था और उसमें भी मैंने सारे जो प्रूफ है वो लाइव दिखाए थे। बट काफ़ी लोगों ने उस पर भी कमेंट किया था कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो फेक इन्फॉर्मेशन है। तो सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाइव है। तो यहाँ पर जो ये मैंने पूरा प्रूफ आपको शो किया है इसके दो पर्पस हैं। पहला पर्पस तो जो इस वीडियो को इस इन्फॉर्मेशन को फेक बोलने वाले हैं उसका आंसर उन्हें मिल जाएगा कि ये किसी भी तरीके का फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा मेरा पर्पस ये है कि ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस आप प्रूफ के साथ जब देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अगर आप ये सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका पीएफ एडवांस का अमाउंट 100% आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगेन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं कहीं पे भी आपको कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि आपका भी 12 दिनों के अंदर आ जाएगा। हो सकता है आपका 7 दिनों में आ जाए, हो सकता है आपके 15 दिन या 20 दिन भी लग जाएं। यहाँ पर मैं आपको ये भी कमिटमेंट नहीं कर रहा कि आपका भी 100% आ जाएगा। हो सकता है आपका इससे कोई कम अमाउंट अप्रूव हो क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है पीएफ डिपार्टमेंट के डिस्क्रिशन पर। तो पीएफ ऑफिसर डिसाइड करता है कि आपको कितना अमाउंट दिया जाना चाहिए। बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने फ्रेंड के लिए यहाँ पर अप्लाई किया और उसका जो है 12 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पूरा सेटल हो गया और बैंक अकाउंट में आ गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोस इन फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के वीडियोस का फायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।